हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, DSSSB की तरफ से TGT की एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं। और इस वीडियो में हम दिखेंगे कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको गूगल पे जाके DSSSB ऑनलाइन पे ऑनलाइन टाइप करना है और स्क्रोल करके आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए लिखा है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, लिंक फॉर ऑनलाइन एग्जाम मॉक टेस्ट एंड नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो PDF फॉर्म में नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। और अगर जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट टाइम ये DSSSB का एग्जाम है, वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिंक पर भी क्लिक करके ये देख सकते हैं कि ऑनलाइन आपको कैसे करना है। तो अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक विंडो होगी जहाँ पे आपको अपना ID और पासवर्ड डालना होगा और साइन इन करना पड़ेगा। तो जब आप साइन इन करेंगे तो इस तरीके से आपकी जो स्क्रीन है वो ओपन होगी। तो ये मॉक ये शो कर रहा है कि ऑनलाइन आप जब एग्ज़ाम देंगे तो कैसे कैसे आपको ये चीज़ें लिखी होंगी यहाँ पे, कि अगर वाइट में यहाँ पर आंसर पैनल शो होगा, अगर वाइट में कोई की है तो इसका मतलब आपने वो क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा है, नहीं विजिट किया है। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो रेड में शो होगा, और अगर ग्रीन में शो होगा तो इसका मतलब आपने उसको आंसर कर दिया है। अगर फोर फोर का मतलब है कि पर्पल में शो होगा, सिर्फ पर्पल में अगर आपका कोई नंबर शो होगा तो आपने उसको आंसर नहीं किया है, बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, बट उस पर उसको क्वेश्चन को मार्क किया रिव्यू के लिए, मतलब आप जब सबमिट करने से पहले उसे देखना चाहेंगे फिर से। और फाइव पे यहाँ पर टिक देखेंगे ग्रीन कलर का, तो आप उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने मार्क किया है क्वेश्चन को, विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्यूएशन। तो उसे अगर आपने मार्क करके ऐसे छोड़ दिया है रिव्यू के लिए तो वो इवेल्यूएशन में कंसिडर नहीं होगा और उसके कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। तो अभी ये और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी हैं कि क्लियर रिस्पॉन्स कैसे करना है, इधर नेक्स्ट करना है आपको ये रीड करके। इसी तरीके से जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे वहाँ पर भी सेम ही चीज़ें आएंगी। यहाँ पर आप लैंग्वेज चुन सकते हैं, हिंदी में देना है पेपर या इंग्लिश में। तो यहाँ पर इंग्लिश, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शंस और आई एम रेडी टू बिगिन। तो आप जब रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके देखिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ग्रीन, रेड, पर्पल, वाइट, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे ऊपर ये आपको सेक्शंस भी दिखेंगे, आप कोई भी सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे सेव एंड नेक्स्ट, मान लीजिए यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो ये देखिए वन ग्रीन में आ गया, इसका मतलब मैंने वन का आंसर दिया है। और अगर मैं सेकंड का आंसर नहीं दे रही तो मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगी। थर्ड को अगर मैं सोच रही हूँ कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, कि इसको मैं बाद में देखूंगी एग्जाम सबमिट करने से पहले, तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक किया तो ये पर्पल में आ गया, फिर सेव एंड नेक्स्ट, और एंड में आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो मॉक के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में ये है कि 2 सितंबर से एग्ज़ाम्स जो हैं वो TGT DSSSB के शुरू हो जाएंगे। 2 सितंबर को 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 3 शिफ्ट, एक होगा मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में और एक इवनिंग में शिफ्ट। जो टाइमिंग्स होते हैं वो 8:30 के आसपास होते हैं मॉर्निंग शिफ्ट का, 8:30। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 2 सितंबर को TGT मैथ्स वालों का पेपर है। उसके बाद 4 सितंबर को TGT मैथ्स का दोबारा से पेपर होगा। उसके बाद 5 सितंबर को यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है डिमार्केशंस कहाँ तक है। तो जैसे अब 5 सितंबर को TGT हिंदी फीमेल, TGT बंगाली फीमेल, TGT बंगाली मेल, TGT हिंदी फीमेल, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से आपको ये एडमिट कार्ड, ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ से एडमिट कार्ड की जानकारी पता चल जाएगी और एग्ज़ाम डेट की। 6-9 को होगा TGT सोशल साइंस मेल का एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में। 7 सितंबर को लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री का पेपर होगा। TGT नेचुरल साइंस मेल का एग्ज़ाम होगा 8 सितंबर को। TGT उर्दू मेल का भी 8 सितंबर को पेपर होगा। तो इस तरीके से आप इस नोटिफिकेशन को प्रॉपरली देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। और TGT मैथ्स फीमेल का एग्ज़ाम होगा 8 सितंबर को। उसके बाद TGT मैथ्स फीमेल 13 सितंबर, और ये 14 सितंबर तक मतलब एग्ज़ाम होंगे।
पीजीटी के। इसमें बाकी के भी कुछ पोस्ट हैं बीच बीच में, जैसे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स, ये सब आपने जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई किया है वो नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। उसके बाद ये बोला है कि आप अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिए अपने OARS पोर्टल पे जाकर, वहाँ पे आप अपडेट कर दें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम से पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे भी इन्फॉर्म करेंगे। बट इन केस अगर ईमेल आप तक नहीं पहुँच पाया या मैसेज नहीं पहुँच पाया तो इसके लिए वो लायबल नहीं है, ठीक है। तो आपको रेगुलरली OARS पोर्टल को विजिट करते रहना है और आपको कोविड के मेजर्स फॉलो करने हैं। और रही बात एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की, तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम, जैसे किसी का एग्ज़ाम 2 सितंबर को है, तो इससे एक हफ्ते पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है उससे एक हफ्ते पहले आप अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। एक चीज़ और, मैंने अपने इस चैनल पे स्ट्रैटेजी भी शेयर की है DSSB एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, आप वो भी एक बार देख लें।